नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिक बॉलिंग के स्टेप क्या हैं जब हम नए बच्चों को सिखाते हैं या बड़े भी बच्चे होते हैं, क्योंकि जब वो रनिंग करके आते हैं तो उनके स्टेप गड़बड़ा जाते हैं और बॉलिंग सही से कर नहीं पाते। तो उसको कैसे सुधारा जाए और कैसे स्टार्टिंग में जो बेसिक होता है 1 2 3 का एक ड्रिल है वो कैसे होता है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मैं स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा, सिर्फ 2 3 दिन में ही आप बहुत आसानी से अपने स्टेप को एकदम करेक्ट बना सकते हो। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो बहुत ही जल्दी आप सीख सकते हो। दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाथ प्रॉपर घुमा के कैसे बॉलिंग करते हैं। कोई बच्चे सीधे से ऐसे थ्रो मार देते हैं, हमारे इलाके में थ्रो बोलते हैं, जो कि इलीगल डिलीवरी है, और कोई ऐसे आधा हाथ घुमाता, आधा हाथ घुमाने के बाद हाथ फोल्ड हो जाता है, फिर ऐसे फेंकता, तो उसको कैसे ठीक करना वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह से पिच में 3 स्टंप आपने रख देने हैं विकेट, या तो आप 3 लाइन डाल लीजिए किसी चीज़ से इस तरह से कुछ 1 2 कदम के गैप में। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ से 1 2 3 का ड्रिल शुरू होता है। बायां पैर फर्स्ट वाले विकेट के पास रहेगा, फिर दाहिना पैर उठेगा, फिर थर्ड में आपका सीधे आगे आप बॉल डालेंगे 1 2 3, इस तरह से आप बॉलिंग डालेंगे। ये एक ड्रिल है 1 2 3। देखिए बायां पैर यहाँ पे रहेगा, दाहिना पैर उठेगा 1 में 2 में 3 में बॉल को रिलीज कर देगा। इस तरह से आप अपने बच्चे को या चाहे कोई भी बड़े भी हों उनको आप बहुत ही आसानी से इस ड्रिल को करा सकते हैं। इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर रनिंग करके आप आ सकते हैं। देखिए ये आप बिल्कुल भी गड़बड़ाएंगे नहीं तो क्या होता है कि हमारे स्टेप बनते नहीं और हम गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पर रुकना है, दाहिने पैर को उठाना है, जैसे दाहिना पैर उठेगा वैसे बॉल ऊपर को जाएगी, इस चीज़ का ध्यान देना हमेशा। आप देखिए दाहिना पैर उठा, उसी के साथ बॉल ऊपर गई, फिर ये पैर नीचे रखा, फिर आपने बॉल रिलीज़ कर दी। इस टाइप से आप कंटिन्यू ड्रिल करेंगे। इसी तरह बैटिंग की भी ड्रिल होती है 1 2 3 की, ये क्रिकेट में हमेशा ही ये ड्रिल रहती है 1 2 3, इस तरह से आप बॉल को रिलीज़ करेंगे। फिर बच्चे को दौड़ा के आप करा सकते हैं इस तरह से। इसका तो आपने बॉलिंग देखा होगा, मैंने एक वीडियो पहले भी बॉलिंग का बनाया था, लेग स्पिन करता है। तो इस तरह से आप 1 2 3 का ड्रिल बच्चे को करा के बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।